देखा कि नहीं तूने? जस्ट अभी हाँ, ओके हाँ मैंने देखा तो हाँ बिल्कुल, तो फिर थैंक यू। ब्यूटीफुल लोकेशन मुझे बहुत ही पसंद आया, एंड वो चिट्ठियां भी लिखी आप लोगों ने, प्रोजेक्ट देखा है तभी तो ऐसी सब बातें। हां हां बिल्कुल, तो बताइए कि पहले तो मैंने देखा ब्यूटीफुल लोकेशन मुझे देखने को मिली, आई थिंक ऋषिकेश हरिद्वार, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस हरिद्वार एंड ऋषिकेश जैसे ब्यूटीफुल लोकेशन पे शूट करने के लिए? टूट गया, बहुत अच्छी सिटी है, मैं पहली बार गया, अश्नूर भी पहली बार विजिट की थी वो सिटी, सो एंड वी गेट टू एक्सप्लोर लाइक सारे बेस्ट बेस्ट प्लेसेस जो होते हैं, सो हाँ कि मतलब बेस्ट लोकेशंस, तो बहुत मज़ा आया। वहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत इनोसेंट है, बहुत अनकरप्टेड, या प्योर, मतलब दिल वाले बंदे हैं कि आपने ये बोल दिया तो कर देंगे विदाउट थिंकिंग एनीथिंग ट्वाइस बेसिकली, सो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लोगों से मिलना, वहाँ का, वहाँ की आरती जो है वो प्रॉपरली तो विजिट नहीं कर पाया हाँ तो हमने मिस कर दिया वो पार्ट, बट आफ्टर आरती भी जो देखा मैंने सिनेरियो वो बहुत ही सुंदर था, सो आई मीन आई कैन जस्ट इमेजिन कि वो जब आरती होती होगी तो वो कितनी सुंदर होती होगी, और इसी वजह से मेरे को वापस जाने का मन है हरिद्वार। हमें तभी इतना प्योर लगा कि वी वर लाइक कि जो एक्चुअल गंगा आरती होगी उसमें कितनी प्योरिटी, इतना वो एक वाइब होता होगा उसमें। सो पहली बार आप लोग एक साथ में काम कर रहे हैं तो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ? बस बाल नोचना ही रह गया था ओ सॉरी, अरे रोल हो रहा था क्या? नो नो यार, मतलब हम लोग एक्चुअली सेम बिल्डिंग में रहते हैं, बट वी डिडंट गेट अ चांस टू मीट एट ऑल, हम सीधा शूट पे मिले। हाँ कि हम सेम बिल्डिंग में रह रहे हैं, हम साथ में आ जाते हैं। हाँ और उस समय जो है डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो वी कुड हैव लाइक यू नो शेयर्ड अ कैब। सॉरी, यस, हाउ वाज द एक्सपीरियंस अश्नूर? वेरी जेन्युइनली इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, वी हैड अ रियली गुड टाइम, एंड यू नो यही होता है एज एन आर्टिस्ट, जब आपके सामने वाला आर्टिस्ट अपने आर्ट की इतनी कदर करता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको खुद मन करता है कि ओके हम भी बेटर करें। सो व्हेन द टू फोर्सेस मैच, इट जस्ट क्रिएट्स मैजिक ऑन स्क्रीन। या वो तो ये मैं बोलूंगा कि आई मीन आई हैव नेवर वर्क्ड विद हर, और मतलब आई विल बी ऑनेस्ट, उसको मैंने बोला ऐसा नहीं कि मैंने इनका काम भी नहीं देखा कभी, सो आई मीन व्हेन आई, जब मैंने इनके साथ काम किया, जब इनके मतलब एक्शन रिएक्शन इज व्हाट इट इज आई फील एक्टिंग, एंड शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, सो द वे शी यूज़ टू रिएक्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक शी इज़ एक्चुअली लाइक अ वेरी गुड एक्ट्रेस, यू नो, बिकॉज लाइव मैंने देखा, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड, एंड मुझे रिएक्शन मुझे देने में बहुत ईजी लगा, बिकॉज इट वॉज, हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिला था कि ऐसा कि व्हेन यू डूइंग म्यूजिक वीडियोज़ की हाँ चिल करे, यू अंडरस्टैंड दिस एंड दैट, हम लोग को सीधा केबल कार में, फर्स्ट शॉट वो था केबल कार का, तो वहाँ पे घुसा दिया गया एंड करो ये करो वो करो, एंड वी वर लाइक हम लोग चिट चैट भी कर रहे हैं, एंड देन वी आर ट्राइंग टू ब्रेक द आइस एंड स्टार्टेड, बट या आई मीन इट वेंट प्रीटी स्मूथ एंड इट वाज सुपर फन, सो या द होल ट्रिप वाज सुपर फन एंड मज़ा आया अश्नूर के साथ काम करने को। I don't know. Yeah. Generally, it was jokes apart. ये जो हम ये चीज़ें कर रहे हैं, this is all इतना करी. तो अभी आपको पता चलेगा कि अभी हमारी आइस ब्रेक हो चुकी है जो बीच की है. We can tease each other, we can pull each other's leg. And वो actually, honestly, shoot के बाद हुआ है. Once the promotions have started, but it was great fun. देखी आपने इनकी super hit film? Of course, देखी. I mean, we were talking and he asked me what movie am I looking forward to watch next, and I was like, Gangubai, definitely. Like, arey, thank you. Then I'm like, yeah, cute. Arey, I'm okay. Then when I watched Gangubai, I loved his performance. Maine Shantanu ko bola bhi tha. He's done an amazing job, and it felt so proud to have worked with such an amazing actor who's rocking it on the big screen. Acha, I thought you. You like, jo perform kiya saamne, usme aisa nahi tha, par us movie mein acha kiya tha. देखो, दिल तोड़ा है पे हमारा जोर नहीं है, लड़कों ने किसी का भी, आई थिंक आप अनइंटेंशनली बहुत लोगों का दिल तोड़ देते हो, बिकॉज लोगों को आपसे कुछ कभी कभार ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है, सो या
whatever it is, I mean, उस पे हमारा genuinely in terms of knowingly तो नहीं तोड़ा है, I don't think so. But and खुद का कितनी बार टूटा है? नहीं, नहीं टूटा है. Touch wood, ऐसा नहीं टूटा है. So yeah. तोड़ा है मैंने कुछ बार. Hey, nice. Honestly, but अपना दिल मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, ऐसे किसी को इसलिए देती नहीं हूँ, तो महफूज करके रखती हूँ, एक बार भी नहीं टूटने देती, खरोच भी नहीं आने देती हूँ. Nice. I protect myself. दिल को ऐसे संभाल के रखना चाहिए, खरोच भी ना आए. महफूज, खरोच. महफूज. वो उन्होंने बोला ना, इतनी हिंदी में बोला. Trying to recall all Yes. अच्छा, जो मैंने गाने में देखा, मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी लगी. अब हम देख रहे हैं कि प्यार की थोड़ी परिभाषा मतलब थोड़ा सा अलग हो गया है. आप लोगों ने गाने में ऐसी चिट्ठियां लिखी. यस यस यस. तो अब तो हम देखते हैं हमारा मॉडर्न लव आ गया है, लाइक ऐसे फोन पे ही ब्रेकअप हो जाता है, फोन पे प्यार मैसेज. ब्रो बिल्कुल मैसेज में भी सब हो जाता है. अब मैं बताइए कि कभी चिट्ठियां लिखी है, लाइक आप बताइए बचपन में या ऐसे कुछ. लड़कियों को अपना लव लव लेटर्स तो नहीं लिखे मैंने. हाँ नहीं, मतलब मेरे टाइम में था वो सो क्यूट ये वाला होता है, बट आई मीन मैंने नहीं लिखी है. बट आई हैव सीन माय फ्रेंड्स राइट पोएम्स एंड लेटर्स. इंटरेस्टिंग लगता है वो जो होल सिनेरियो. आई थिंक इट्स रोमांटिक बाय डिफॉल्ट. आई फील इट्स वेरी रोमांटिक. और वो बहुत नेचुरली आता है. व्हेन यू फॉल फॉर समवन, यू स्टार्ट राइटिंग, यू स्टार्ट फीलिंग कि चीज़ें आपके साथ क्या हो रही है. वो आप आशिक और शायरी और पोएम लिखना बहुत, इट्स अ फर्स्ट इंस्टिंक्ट आई फील. एंड या सो वही चीज़ को थोड़ा सा वापस इस वीडियो में भी हम लोगों ने लाने की कोशिश की, बिकॉज इट इज़ अ रोमांटिक बीट. इट हैज़ अ वेरी डीपर कनेक्शन आई फील व्हेन यू राइट फॉर समवन इन योर ओन हैंड राइटिंग. आपकी सोच आप एक पेपर में लिख कर देते हो, एंड इट्स it has a different feeling too. So yeah, I mean we're so happy ki wo jis dhang se wo picturized bhi hua hai wo clearly samajh mein aata hai, ek jagah haath mein hai, ek jagah paper mein hai. So you know, bahut good beautiful way of depicting and trying to stop your love. Yeah. Ashnoor ji hame batayenge chitti wali koi memory. Ha, Ashnoor ko bola tu. Ha, tumne to kabhi letter likha hi nahi hoga. Nahi nahi, bahut sare letter aaye rahenge aapke paas. I don't know, cards, letters. कितने को ऐसा फाड़ के फेंका है तूने मुंह पे? Stop it, आशा. नहीं, लव लेटर किसी के लिए लिखा तो नहीं, लेकिन I used to love making cards for my mom, daddy, you know, Mother's Day, Father's Day. I used to love, and till late, I guess, rather than buying a ready-made card, the personalized thing that you make, चाहे वो simple हो, but that's much much more valuable and much more special. चलिए हम अपने गाने पे आते हैं. लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है ये गाना, एंड आई थिंक अब कुछ ही टाइम में 1 मिलियन टच होने वाला है, हो जाएगा 1-2 घंटे में. तो बताइए कि कैसा फील करते हैं ऑडियंस जब आप दोनों को ही बहुत ही प्यार करती है, आपकी कोई फिल्म आती है, कोई गाना आता है, तो लोग बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, तो कैसे देखते हैं आप लोग? ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है सर. मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई फील अच्छा काम एंड अच्छा गाना है तो उसको अप्रिसिएशन मिले तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बकवास तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, उसको अप्रिशिएशन मिल जाता है. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू गेट एंड रीच राइट ऑडियंस जो कंज्यूम करती है आपका गाना, कि आपकी पूरी टीम मेहनत करती है, इतने लोग मेहनत करते हैं टू मेक दैट सॉन्ग वर्क. एंड हमने भी बहुत मेहनत की है उस सॉन्ग को बनाने में, एंड होपफुली लोगों को पसंद आएगा एंड लोग राइट लोगों तक पहुँचेगा, एंड दे विल इट हेल्प रीच आउट lovers. Yeah. Yes. Yeah, Ashnoor, please carry on. मैं थोड़ा हीवर हो गया. नहीं नहीं, वही बोलना चाहेंगे यार. Whatever we are today is all because of our fans and all the love and support they've been given to us constantly throughout all the projects. And we just hope कि आप इस गाने को भी उतना ही प्यार दें, because as Shantanu said, it involves a lot of people's hard work. तो आप प्यार दें, because that's all we need. Okay. Yeah. And Palat. Palat. Yeah. I mean, master stroke है वो. मास्टर स्ट्रोक है वो. लड़की बड़ी फिल्मी है. सो आई मीन आई वाज, जब हम कर भी रहे थे तो वो वाला जो सीक्वेंस था वो बताया नहीं था आदित्य सर ने, जो द डायरेक्टर. सो ही वाज लाइक कि तुमसे तुम बैठोगे वहाँ पे, तुम सिटोगे, मैं बोल रहा हूँ तुम बैठोगे वहाँ पर, एंड देन दिस थिंग विल कम एंड इट विल हैव पलट.
I was like, wow. Yeah. And हम लोग बहुत फटाफट शूट कर रहे थे बिकॉज लाइव लोकेशन में थी. क्राउड कंट्रोल आफ्टर अ पॉइंट वाज डिफिकल्ट बिकॉज अश्नूर के लोग मतलब अश्नूर के फैंस लाइक दे वर लाइक रियली सो आई मीन सो वो सीक्वेंस ही करना था तो वेरी हंबल टुडे आई डोंट नो व्हाई सो वो ऐसा था कि ये मोमेंट में रिएक्ट करे आपको अप्रिशिएट करे कि शूट करे यू नो सो इट वाज ब्यूटीफुल आई फील लाइक That is something which everyone will remember and वो पलट वाला जो है वो फंडा वो है। क्योंकि हमेशा लड़का ही लड़की को पलटने के लिए क्यों बोले? लड़की भी तो बोल सकती लड़के को, है ना? Yeah, absolutely. तो बताइए शांतनु जी कितनी बार इंतजार होता है आपको? पलट 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 मैं ऐसे नॉर्मल लाइफ में करता हूँ यार मतलब ऐसे हाँ नॉर्मल लाइफ में ऐसे जरूरी क्यों है लड़की को अगर ये पलटेगा यार तो फिर नेगोशिएशन अच्छा जा रहा है या वेल इट डजंट हैव टू बी इन रोमांटिक कनोटेशन सो या बिल्कुल कहेंगे हम कहेंगे कि आप अपना हमारा गाना देखिए टूट गया रिलीज हो चुका है वो एंड बहुत मेहनत की है बहुत अच्छा प्यारा गाना है स्टेबिन ने बहुत अच्छे से गाया है सारे गामा के साथ मेरा ये तीसरा गाना है तीसरा है मेरा हाँ ऐसे कैसे याद है मेरा पहला गाना है तो आप प्लीज सारे गामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर जाके हमारा गाना देखिए बहुत सारा प्यार दीजिए क्यों कर रहा तू जबरदस्ती क्यों मेरे को बेइज्जती कर रहा है अभी तक लोग देख रहे थे वीडियो अभी निकल जाएंगे क्यों कर रहा है ऐसा थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर द इंटरव्यू थैंक यू